इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम डुप्लीकेट वैल्यूज को फॉर्मूला की मदद से किस तरह फाइंड कर सकते हैं। पहले एग्जांपल में मैं लिस्ट वन को कंपेयर करूंगा लिस्ट टू के साथ, यानी कि लिस्ट वन की वो वैल्यूज जो कि डुप्लीकेट हैं लिस्ट टू में, उनको फाइंड करेंगे। और फंक्शन मैं यूज करूंगा काउंटिव्स, क्राइटेरिया रेंज है लिस्ट टू और क्राइटेरिया है लिस्ट वन। काउंटिव्स लिस्ट वन की हर एक वैल्यू को काउंट करेगा लिस्ट टू में और एक अरे रिटर्न करेगा। सो एलेक्स की वैल्यू एक बार ऐड है लिस्ट टू में, पीटर की और मरिया की। अब मैं चेक करूंगा कि क्या काउंट वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है। सो इसी फार्मूला के आखिर में ग्रेटर देन जीरो का साइन लगा देंगे। आप ये स्टेप अलग कॉलम में भी परफॉर्म कर सकते हो। अब यूज़ करेंगे फिल्टर फंक्शन, अरे है लिस्ट वन और इंक्लूड आर्ग्यूमेंट की जगह पे हम ये कॉलम सिलेक्ट करेंगे, या फिर हम यहाँ पे काउंटिव्स भी लगा सकते हैं। सो काउंटिव्स, क्राइटेरिया रेंज है लिस्ट टू और क्राइटेरिया है लिस्ट वन, क्लोज पैरेंथेसिस और ग्रेटर देन ज़ीरो का साइन, और एफएमटी की जगह पे हम एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न करेंगे। सो लिस्ट वन की तीन वैल्यूज़ ऐसी हैं जो कि डुप्लीकेट हैं लिस्ट टू में, और चूँकि ये एक टेबल है सो अगर मैं न्यू डेटा एंटर करता हूँ फॉर्मूला उसको भी ऑटोमेटिकली पिक करेगा। लेट्स सपोज कि हमारे डेटा में डुप्लीकेट रोज हैं, फॉर एग्जांपल रो फोर। अब मैं किसी एक वैल्यू को काउंट नहीं कर सकता क्योंकि मुझे रो की हर एक वैल्यू को मैच करना होगा। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि एक यूनिक की बनाऊँगा हर एक रो के लिए और फंक्शन यूज़ करूँगा कॉनकैट, और टेक्स्ट है रो वन की वैल्यूज़। कॉनकैट फंक्शन इन सारी वैल्यूज़ को एक टेक्स्ट स्ट्रिंग बना देगा। सो अगर कोई रो डुप्लीकेट होगी तो उसकी की भी डुप्लीकेट होगी। अब यूज़ करेंगे फिल्टर फंक्शन, अरे में ये सारा डेटा सेलेक्ट करेंगे, कॉमा, काउंटिव्स, क्राइटेरिया रेंज है की कॉलम और क्राइटेरिया भी है की कॉलम, क्लोज पैरेंथेसिस और ग्रेटर देन वन का साइन, क्योंकि अगर कोई की एक से ज़्यादा बार ऐड है तो हमें उसको फाइंड करना है, और एफ एम्प्टी की जगह पे हम एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न करेंगे। सो दो रोज ऐसी हैं जो कि डुप्लीकेट हैं हमारे डेटा में, और अगर मैं कोई भी वैल्यू चेंज करता हूँ इन रो में से, अब हमारे डेटा में कोई डुप्लीकेट रोज नहीं है। और इस की कॉलम को हम हाइड कर सकते हैं, ग्रुप कर सकते हैं, या फिर राइट साइड पे कहीं पे भी एम्प्टी जगह पे हम ये कॉलम क्रिएट कर सकते हैं। सो इस तरह हम फार्मूला की मदद से डुप्लीकेट वैल्यूज़ को या डुप्लीकेट रोज को फाइंड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।